केसीआर मुख्यमंत्री तेलंगाना के दो सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, गजबेल सीट, कामारेड्डी सीट, गजबेल सीट उनकी पारंपरिक सीट, और गजबेल सीट पर तेलंगाना में केसीआर बढ़त बनाए हुए हैं। दीपा जी, हाँ बिल्कुल, वहां से उनको जीत की उम्मीद थी। देखिए चुनाव आयोग का जो एमपी में टाई, मध्य प्रदेश में टाई हुआ, मध्य प्रदेश 91-91 का बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश में आपके सामने है। 184 विधानसभा सीटों का शुरुआती रुझान मध्य प्रदेश का आपके सामने। आप देखिए किस तरीके से अभी कुछ देर पहले तक जो बड़ी बढ़त बीजेपी की नजर आ रही थी, और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी 90 और कांग्रेस 92 पर पहुंच गई है। तस्वीर बदल रही है, जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि शुरुआत में ट्रेंड में बीजेपी कहां 101 पर पहुंच गई थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई। बजर काउंटिंग सेंटर में बजर लगातार बजता जा रहा है, हर काउंटर पर जहां जहां मैं जा रहा हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहां से जानकारी है? तेलंगाना छत्तीसगढ़ दोनों से है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी आगे चल रहे हैं, कोडांगल में बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर जीत गई कांग्रेस। उल्टी हरीश राव आगे चल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के भतीजे हैं, मंत्री भी रहे हैं, आगे चल रहे हैं सिद्धिपेट में। और हैदराबाद का इक्वेशन आप देख लीजिए, वहां पर बीआरएस सिर्फ 3 सीटों पर आगे है, एमआईएम 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एमआईएम 4 सीटों पर हैदराबाद में आगे है जी। करौली का आंकड़ा बता देते हैं, जहां पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है, 2 सीटों पर बीजेपी और 2 में इस वक्त कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो कड़ा यहां पर आयुषी ने राजस्थान की बात बताई जी, बोलिए। देखिए रीवा में 8 सीटें हैं, 3 पर इस वक्त ये देखिए कांग्रेस आगे चल रही है, और 2 पर बीजेपी आगे, 3 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी। रीवा में 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है, बिल्कुल 2 पर बीजेपी, और 2 पर बीजेपी आगे है जी। रोमाना तस्वीर बदल रही है, मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस ने बढ़त बना ली है बीजेपी के मुकाबले, कांग्रेस 92 पर पहुंच गई है, बीजेपी 90 पर है, राजस्थान में बीजेपी 99 पर डटी हुई है। हालांकि कुछ देर पहले रुझानों में जादुई आंकड़ा बीजेपी ने राजस्थान में हासिल कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी राजस्थान शुरुआती रुझान जादुई आंकड़े को छूती हुई, 100 का आंकड़ा बीजेपी ने हासिल किया राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस 82 पर है। और साथ ही अन्य पर नजर बनाकर रखिए जो इस वक्त 17 पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।